बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको घर में ब्राउन शुगर बनाने की रेसिपी बताऊंगी, उसका तरीका बताऊंगी कि ब्राउन शुगर घर में हम किस तरह बना सकते हैं। ये बहुत सी रेसिपी में इस्तेमाल की जाती है, केक, बिस्किट और बहुत सी हम मैरिनेशन में भी ये इस्तेमाल करते हैं। ब्राउन शुगर बाजार से बहुत छोटा सा पैकेट मिलता है, काफी महंगा मिलता है। अगर हम घर में एक प्याली चीनी से बना लेंगे, हमारा काफी अर्सा गुजर जाएगा और अपने हाथ से बना होगा और पता होगा कि हमारा कितना पुराना है। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। और मैं बनाते बनाते काफी लेट हो गई हूँ, तो मैं लेट हो गई हूँ तो इसलिए जल्दी से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लेट ना हो जाए तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो ये बहुत अच्छा काम है किसी का चैनल सब्सक्राइब करना, मैं बहुत से चैनल करती हूँ। आप एक प्याली चीनी ले लें, आम चीनी जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं। और हम मलाइसिस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में मलाइसिस बनाना सिखाया है, वो मलाइसिस मैंने ले लिया है आधी प्याली। ये मलाइसिस है और ये एक प्याली चीनी। चीनी को मैं पीस लूंगी, ग्राइंडर में डाल के इसको पीस लेंगे और फिर बकाया काम आपके सामने करेंगे। सबसे पहले मैं इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लेती हूँ। इस चीनी को पीस के मैं लेके आती हूँ। चीनी को मैंने पीस लिया है और इसे मैं प्लेट में निकाल देते हैं। जिन लोगों को नहीं अंदाजा कि किस चीज से ये, किस तरह इन्होंने इतनी आसानी से ये ब्राउन शुगर बन जाती है, वो कहेंगे वाओ, इतनी सी चीनी में इतनी ज्यादा ब्राउन शुगर घर में ही आइंदा बनाएंगे। ये मलाइसिस मैंने, ये देखे, ये मैंने मलाइसिस ले लिए है, ये देखे। अब इस चीनी में मैंने हाथों को अच्छी तरह धो लें, कहीं इस हाथ भी इस्तेमाल करने पड़ जाएंगे। ये चम्मच के साथ मलाइसिस डालते जाएं और मिक्स करते जाएं इसमें। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सारी मैंने डाल दी है, अब हाथ से मैं ये हल्के हाथ से इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूं। आप ये ब्राउन शुगर घर में बना के रख लें, थोड़ा सा कलर डार्क हो जाएगा पड़ी हुई का, लेकिन इसका जायका सब कुछ बिल्कुल बाजार से भी बेहतरीन होगा, क्योंकि बाजार में कई कई साल पुरानी बनी हुई हमें मिलती है। हम जब भी बेकरी की कोई चीज बनाने लगते हैं तो हमें उसमें ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करना होता है, तो फिर हमें बाजार से लानी पड़ती है, तो वो पता नहीं कितने कितने साल वो उसका पड़े पड़े ही कलर डार्क हो चुका होता है। ये देखे, इसको हाथ से अच्छी तरह मैं मसल रही हूँ, तो मसल मसल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और सारी चीनी के ऊपर ये मलाइसिस का कलर भी आ गया और इसका कलर भी ब्राउन शुगर। आप कभी मिला के देखेंगे तो घर की आपको ज्यादा बेहतर लगेगी, हाथ से करेंगे तो ज्यादा आपको मजा आएगा। ये देखिए, मैंने हाथों की उंगलियों से अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसको एक बड़ी प्लेट में डालूंगी और इसमें मैं ये डाल के अच्छी तरह हथेली के साथ मिक्स करूंगी। ये देख, इसको दोनों हाथों से पकड़ के इस तरह करेंगे, ये जैसे हम चावल धोते हैं इस तरह हाथों से करते जाएंगे और इसका दाना दाना लैदा होता जाएगा।
मलाइसिस डालते हैं, साथ इसकी खुशबू भी चेंज हो गई है, सेम वही खुशबू हो गई है जो हम बाजार से ब्राउन शुगर लेके आते हैं। बहुत से लोग वो रेसिपी ही नहीं बनाते कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या क्या मंगवाएंगे और फिर हम अपने बिस्किट केक वगैरह बनाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि हम हर चीज बाजार से खरीद के लाएं, जो जरूरी है वो तो हमें खरीदना ही पड़ेगा। ये देखिए, इसको दोनों हाथों से इस तरह कर रही हूँ और फिर हथेली से इस तरह करके ये नीचे गिरती जा रही है। ये हमारी होममेड ब्राउन शुगर तैयार हो गई है। प्लीज आप बनाएं, इसे एक जार में बंद करके फ्रिज में रख लें, या जितनी आपको महीने की जरूरत है उतनी बना लें, फिर बना लें। अब तो कोई मुश्किल नहीं, अब तो आसानी हो गई ना कि होममेड हम ब्राउन शुगर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज बनाएं, एंजॉय करें, मुझे दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।